अभी फिर से, वाट इज द वर्क डन, वाट इज द, दरवाजा बंद करो, कोफिशियंट उस पर मिलाओ, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ, हाँ पंकज, हाँ वो क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे थे तभी तुम दूसरे फ़ोन से मिलाए, ये कह रहे थे वो आज जीजा जी के पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई है तो हम लोग यहाँ का भर्ती रहती हैं तो शाम को वहाँ जाने का, शुक्रवार को रखेंगे, ठीक है फ़ोन करेंगे, ठीक 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 वाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन, मशीन का क्या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, युगु धूप बत्ती जलाओ, एल का मान 80 कैलोरी पर ग्राम है, ये न्यूमेरिकल है, एल की वैल्यू है 80 कैलोरी पर ग्राम, ये एल की वैल्यू है। एल की वैल्यू, चलो धूप बत्ती जलाओ, एल की वैल्यू है 80 कैलोरी। एक कारनॉट रेफ्रिजरेटर है, लेता है टेक्स हीट फ्रॉम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए कारनॉट का रेफ्रिजरेटर है जो हीट लेता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये देखिए सॉल्यूशन पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं, सोर्स का टेम्परेचर है T1, टेम्परेचर है T1, ये है हॉट बॉडी, सोर्स का टेम्परेचर T1, ये हॉट बॉडी, सिंक या कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T2, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T2, बीच में है गैस सिलेंडर, पिस्टन लगाओ, गैस सिलेंडर, Q2 हीट कोल्ड बॉडी से लेती है, अपोजिट वर्क डन होता है, Q1 हीट रिजेक्ट करती है, Q2 हीट कोल्ड बॉडी से लेती है, वर्क डन होता है, Q1 हीट रिजेक्ट करती है, Q2 हीट कोल्ड बॉडी से ली गई, वर्क डन हुआ Q2 प्लस W, ठीक है वर्क डन, Q1 की वैल्यू हुई Q2 प्लस W, ये रिजेक्ट की गई। तो देखिए कारनॉट रेफ्रिजरेटर टेक्स हीट फ्रॉम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T2 का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 जोड़ दिया, 273 केल्विन, ये T2 की वैल्यू, एंड डिस्कार्ड इट टू ए रूम, रूम को डिस्कार्ड किया जा रहा है, T1 की वैल्यू है कितनी 27 प्लस 273 कितना हो गया 300 केल्विन, ये T1 की वैल्यू, 1 kg ऑफ वाटर, इसमें 1 kg वाटर है, 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg वाटर है, ये कन्वर्ट हो जाता है, 1 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में, 1 kg वाटर कन्वर्ट हो जाता है 1 kg वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब M का मान 1000 ग्राम है, और ये कन्वर्ट होता है 1000, तो ये है आपका वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये कन्वर्ट हो जा रहा है आइस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है तो आप लगाइए Q बराबर ML, DQ बराबर ML होता है, DQ बराबर ML का फार्मूला है, DQ बराबर ML, तो DQ बराबर ML की जगह पर आप ये लगाइए, DQ बराबर ML की जगह पर आप ये, DQ की जगह यहाँ पर ही लिया गया तो Q2 करिए,
Q2 बराबर M का मान 1000, L का मान 80, तो Q2 का मान 80,000 कैलोरी। नहीं नहीं, फ़ोन करवाना, दे देना अगर तुम्हें पढ़ना ना हो तो, चार्जिंग में लगा दो ऊपर पहले। तो ये हो गया Q2 की वैल्यू, चार्जिंग में लगा दो, दरवाज़ा बंद करो। सुनो युगो, उधर पहले पंखा बंद करो। अब लगा लीजिए आइडियल गैस स्केल, आइडियल गैस स्केल, धनु आवास बात करो, बात कराओ हमारी, मिला दो पहले फ़ोन। आइडियल गैस स्केल Q1/Q2 इज इक्वल टू T1/T2, Q1/Q2 इज इक्वल टू T1/T2। Q1 की वैल्यू है आपको निकालनी है, Q2 का मान है 80,000, T1 की वैल्यू है 300, T2 का मान है 273। तो Q1 की वैल्यू 3000 इंटू 80,000/273। तो ये जब आप डिवाइड करोगे तो ये आती है 87,912 कैलोरी हीट आ रही है। 87,000 Q1 की वैल्यू आ रही है, 87,912 कैलोरी। धनु मिलाओ, DHANU, ठीक है, ये आपकी। तो ये पहला पार्ट हुआ। एक कारनॉट रेफ्रिजरेटर है जो लेता है टेक्स हीट फ्रॉम वाटर एट 0°C, हाँ, टेक्स हीट फ्रॉम वाटर एट 0°C, हीट लेता है वाटर से जो 0°C पर है, टेक्स हीट वाटर एट 0°C, डिस्कार्ड इट टू ए रूम एट 27, और रूम को डिस्कार्ड करता है जो 27°C पर है, डिस्कार्ड इट टू ए रूम एट 27°C, जो रूम को डिस्कार्ड करता है जो 27, 1 kg ऑफ वाटर एट 0°C इज टू बी चेंज। हाँ हेलो, वो ऊपर से जाला गिर रहा है, जरा उजाला मार देना उससे, युगु उसको फिर जलाओ, देखो बुझ गई, तू कैसे जलाए। तो जो एक कारनॉट रेफ्रिजरेटर टेक्स हीट फ्रॉम वाटर एट 0°C, वाटर से लेता है हीट जो 0°C पर है, 0°C, एंड डिस्कार्ड इट टू ए रूम, और डिस्कार्ड कर देता है रूम को जो 27°C पर है, 1 kg ऑफ वाटर एट 0°C इज चेंज इन टू आइस, 1 kg वाटर है जो 0°C पर, 1 kg ऑफ वाटर एट 0°C इज टू बी चेंज इन टू आइस एट 0, तो वही हमने लिखा। T2 हुआ 0°C, 0+273, T1 हुआ 27+273, 300 केल्विन, मास 1000 ग्राम, वाटर है 0°C पर, 1000 ग्राम है आइस में कन्वर्ट हुआ 0°C में, तो DQ बराबर है ML, DQ की जगह लिया Q2, मास 1000, L का मान 80,000 कैलोरी। आइडियल गैस स्केल Q1/Q2 इज इक्वल टू T1/T2, Q1 की वैल्यू निकालनी, नीचे है Q2 80,000, 300/273 डिवाइड किया तो 87,912 कैलोरी, ये आपकी आई Q1 की वैल्यू। अब हमें लाना है वर्कडन, वर्कडन कितना हुआ, वर्कडन W की वैल्यू, वर्कडन W की वैल्यू, दूसरा पार्ट, वर्कडन W का मान, W की वैल्यू Q1-Q2, वर्कडन W की वैल्यू Q1-Q2, Q1 का मान है 87,912 माइनस 80,000, घटाया तो 7,912 कैलोरी। इसे जूल में कन्वर्ट करना है, 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो 7912 × 4.22 जूल, तो ये आ गया 3.323 × 4 जूल का वर्क डन हुआ, इतने जूल का वर्क डन हुआ। अब क्या कह रहा है, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, तीसरा कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, देखिए नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफ परफॉर्मेंस के की वैल्यू T2 upon T1 minus T2 K की वैल्यू है T2 upon T1 minus T2 T2 की वैल्यू है आपकी 273, T1 की वैल्यू 300 273, तो ये आ गया 273 upon 27, 10.11, ये आपका 10.11। अब देखिए कारनॉट इंजन है, कारनॉट रेफ्रिजरेटर है जो 500 केल्विन और 100 केल्विन के बीच में कार्य कर रहा है। देखिए दूसरा, कैलकुलेट द कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ कारनॉट रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर एक्टिंग बिटवीन, बिटवीन 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 127 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कार्य कर रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 127, तो T1 का मान है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 का मान है 127 डिग्री, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यहाँ सॉल्यूशन डाल दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा से दिखाओ, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस बीटा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा T2 upon T1 minus T2, तो यहाँ पर T1 की वैल्यू जो हाई टेम्परेचर है वो T1 लोगे 127 प्लस 273 जोड़ दिया तो कितना हो गया आपका 400 केल्विन, T2 की वैल्यू है 27 प्लस 273 300 केल्विन, ऐसे T1 हमेशा हाई टेम्परेचर लोगे, T2 हमेशा लोअर टेम्परेचर लोगे, T1 हमेशा हाई टेम्परेचर लोगे, T2 हमेशा लोअर टेम्परेचर लोगे, ठीक है, चाहे वो कारनॉट इंजन करो और चाहे कारनॉट रेफ्रिजरेटर करो, तो बीटा की वैल्यू T2 का मान है 300, इसका मान है 400 माइनस 300, तो ये आ गया 300 अपॉन 100, तो बीटा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 3। अब देखिए एक कारनॉट इंजन है, एक कारनॉट इंजन है जो कार्य कर रहा है 7 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, ठीक है, देखिए एक कारनॉट इंजन, इंजन
इंजन हुज इफिशियंसी 50% ए कारनॉट इंजन हुज इफिशियंसी 50% ए कारनॉट इंजन है जिसकी दक्षता 50% है 50% है एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक इज 7 डिग्री सेंटीग्रेड सिंक का टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड है. इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द इफिशियंसी ये हमारी इच्छा है कि उसकी दक्षता इफिशियंसी अप टू 70% उसकी दक्षता हम 70% तक कर दें ठीक है. देन टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी विल बी इंक्रीज्ड हॉट बॉडी का टेम्परेचर हमको बढ़ाना पड़ेगा. ए ऑप्शन 373.3 केल्विन बी 373.3 डिग्री सेंटीग्रेड सी 300 केल्विन और डी बोथ ए एंड बी ठीक ये है. तो देखिए सॉल्यूशन देखिए एफिशिएंसी ईटा 150% 50% का मतलब 50/100 1/2 टेम्परेचर T1 निकालना है T2 का मान 7 डिग्री सेंटीग्रेड 280 केल्विन ईटा 1 बराबर 1 - T2/T1 ईटा 1 बराबर 1 - T2/T1 ईटा 1 की वैल्यू 1 - T2/T1 ईटा 1 की वैल्यू 1 - T2/T1 तो ईटा 1 1/2 1 - T2 की वैल्यू है 280/T1 1/2 T1 का मान 560 केल्विन T1 का मान 560 केल्विन 560 केल्विन. अब देखिए हमको इसकी इफिशियंसी कितनी करनी है 70% तो आपका ईटा 2 की वैल्यू 70% तो 70/100.7 T2 की वैल्यू वही 280 केल्विन है T1 की वैल्यू है आपको निकालनी है तो ईटा 2 1 - T2/T1 ये हो गया 0.7 ये हो गया 280/T1 भाई ये यहाँ पर कैलकुलेट करनी थी कोफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कारनॉट रेफ्रिजरेटर एक्टिंग बिटवीन 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 120 तो यहाँ पर T1 मानो 127 और T2 मानो 20 इससे लगा लीजिए. अब देखिए आपका 280/T1 1 - 0.7
तो 280 अपॉन T1-0.3, T1- की वैल्यू 280.3 हटाएगी तो ये आएगा 933.3 केल्विन, 933.3। अब टेम्परेचर इंक्रीमेंट डेल्टा टी, T1-T1, तो ये हो गया आपका 933.3-560, कितना हो गया आपका 373.3 केल्विन, इतना टेम्परेचर। तो आपका बोथ ए और बी, क्योंकि ये डिफरेंस है, इसे आप डिग्री सेंटीग्रेड में भी वही लिखोगे। तो डिफरेंस चाहे केल्विन में हो और चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में, सेम रहता है। इतना बच्चों आप लोगों को आज की, कल रात में बच्चों हमने एक क्लास रिकॉर्ड की थी, वो करीब 60 मिनट की थी, करीब 5-6 न्यूमेरिकल लगवाए, पर उसमें आवाज़ ही नहीं है, तो वो क्लास अब डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, तो अर्जेंट में ये क्लास किया है आपको, ठीक है।